आनंद मिश्रा है। मैं यहाँ पे आपके प्रीवियस स्पीचेस को लेके आया हूँ, जहाँ पे आपने भविष्य पुराण को रेफरेंस मान के मोहम्मद और कल्कि अवतार को सेम माना। एंड अब आप क्या विष्णु के बाकी अवतारों को छोड़ के केवल इसी कंटेस्ट को इस्लाम को प्रूव करने के लिए रखेंगे? आप बस इतने का आंसर दीजिए। भाई साहब का सवाल है। उन्होंने मेरी पहले तकरीर को सुना है, जिसमें मैं साबित किया हूँ कि भविष्य पुराना के ज़रिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और पूछते हैं कि बाकी विष्णु के अवतार को छोड़ के आप इसको क्यों पकड़ रहे? पहले मैं ये तब्दीली चाहूँगा आपके सवाल में कि मैंने सिर्फ भविष्य पुराना के ज़रिए नहीं साबित किया, मैंने यजुर्वेद के ज़रिए भी साबित किया हूँ और वेद के ज़रिए भी साबित किया हूँ। पुराना के हवाले से भी साबित किया, भविष्य पुराना यजुर्वेद के हिसाब से भी साबित किया, ऋग्वेद के हिसाब से भी, सामवेद के हिसाब से भी, और कल्कि पुराण के हिसाब से भी। लेकिन क्यों, जिस तरीके से कुरान मजीद में कई पैगंबरों के नाम हैं, हम उन पर ईमान लाते हैं, लेकिन आखिरी पैगंबर को मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी मैं पूछूंगा, कई मॉडल आ गए। एक सपोज कोई भी चीज़ गाड़ी है या कोई डीवीडी प्लेयर है, मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3, आप लेटेस्ट मॉडल चाहेंगे क्या? जो मॉडल 20 साल पहले था वो चाहेंगे? तो हम अपने परदादा को छोड़ देंगे, लेटेस्ट में अपने आप को मानना क्या सही हमारे होगा? परदादा समझते थे कि दुनिया चपटी है, आप समझते है? नहीं, हमारे परदादा समझते थे कि चांद की रोशनी खुद की, मानते उसमें? आप मानते हैं कि नहीं? लेकिन जो इंफॉर्मेशन मैं आपसे पूछता हूं, क्या परदादा मानते थे कि चांद की रोशनी खुद की है? परदादा मानते थे दुनिया चपटी है, गोल नहीं? आप मानते आज? बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही हैं। आप मानते हैं? हाँ क्या नहीं? जवाब हाँ, चाहता मैं हूं। मानता हूं। तो क्यों आपके परदादा को छोड़ देते आप? आप क्यों परदादा की बदतमीजी कर रहे? क्यों? इसे बदतमीजी नहीं कहते, इसे ये कहते कि अपने इल्म के हिसाब से हम मानते हैं। उस वक्त जो परदादा को इल्म था उस हिसाब से सही थे। आप जब तरक्की कर रहा है, साइंस इल्म तरक्की कर रहा है, जो लेटेस्ट है वो चाहेंगे। मैं आपको गाड़ी बेचूंगा, मारुति, मारुति गाड़ी 20 साल पहले वाली बेचूंगा, क्या पैसा देंगे उतना? आज के मारुति के लिए 3 लाख देने पड़ते, आप देंगे क्या? आप बोलेंगे अरे क्या मुझे बेवकूफ़ बना रहे क्या? उस टाइम आपने 4 लाख 3 लाख ले लिया होंगे मारुति जो 1980 में बनी, 1980 में जो भी साल बनी, क्योंकि आपको इल्म है। इसी तरीके से आपके वेद में लिखा है कि कल्कि अवतार, कल्कि पुराना चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 5 7 9 11 15 में लिखा है, ये कल्कि अवतार, उसके वालिद का नाम रहेगा विष्णु याश अने अब्दुल्ला, माँ का नाम रहेगा सुमति अने शांति मतलब आमिना। वो पैदा होंगे एक शहर में जो अमन का है अने मक्का, वो पैदा होंगे चीफ ऑफ दैट सिटी के अंदर कुरेश। वो जब पैदा होंगे वो माइग्रेट करेंगे नॉर्थवर्ड्स, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेट के मक्का से मदीना और फिर वापस आए। कई चीज़ लिखे, उसके 4 करीब दोस्त होंगे, कई चीज़, कल्कि पुराना आखिरी अवतार। इस तरीके से कुरान में भी लिखा है, कई पैगंबर है लेकिन आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसका मतलब नहीं हम ईसा अलैहि सलाम में नहीं मानते, मूसा अलैहि सलाम में नहीं मानते, आदम अलैहि सलाम में नहीं मानते, हम कहते पैगंबर थे, लेकिन आज हमें अमल करने पड़ेगा वो टीचिंग्स जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। बाकी अवतार थे क्या नहीं सेकेंडरी है, हमें मानना चाहिए उस अवतार की टीचिंग्स में जो आखिरी अवतार है, जो कल्कि अवतार है। इसी तरीके से कुरान मजीद में लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसी तरीके से बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 टू 14, ईसा अलैहि सलाम ने कहा आई हैव गॉट मेनी थिंग्स टू सेंड टू यू बट ही कैन नॉट बेयर देम नाउ फॉर ही व्हेन द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ शैल कम ही शैल गाइड ऑन टू ऑल ट्रुथ ही शैल नॉट स्पीक ऑफ हिमसेल्फ ऑल दैट ही हियर शैल ही स्पीक। ये कह रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो मैं कहता हूँ मैंने जो साबित किया हूँ आखिरी कल्कि अवतार, तो बाकी को आप छोड़ रहे हैं? नहीं, बाकी को भविष्य पुराना को केवल कुछ, बाकी को कहाँ छोड़ दिया मैं? हमारे हदीस में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 1,24,000 पैगंबर थे, 1,24,000, लेकिन अमल करना चाहिए आखिरी पे। वो हम कभी भी नहीं कहते बाकी पैगंबर नहीं थे। आप मुझे पूछेंगे क्या राम पैगंबर थे या नहीं, कृष्णा पैगंबर थे क्या नहीं, मैं कहूंगा मुझे नहीं पता, क्योंकि कुरान मजीद में उनका नाम नहीं है और हदीस में नाम ने, हो सकता है भी हो सकता है नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि राम अलैहि सलाम, मैं राम अलैहि सलाम नहीं कह सकता लेकिन मैं कहता हूं वो थे या नहीं। जितने पैगंबर पहले आए वो सिर्फ
अपने दौर के लिए आए थे और एक मुद्दत के लिए आए थे। हमें मानना चाहे आखिरी पैगंबर पे, चाहे आप हिंदुस्तान में रह रहे, अमेरिका में रह रहे, चाहे आप इंग्लैंड में रह रहे, हमें मानना चाहे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आखिरी पैगाम कुरान पे। वो थे क्या नहीं, मेरे जिंदगी में फर्क पड़ेगा ही नहीं, मैं थोड़ी गाली दे रहा हूं उनको, हो सकता है थे, आई डोंट नो। आप मुझे पूछेंगे वो मारुति जो 1980 की मॉडल थी आपने रिसर्च किया, अरे क्यों रिसर्च करूं, मैं तो लेटेस्ट मॉडल पे रिसर्च करूं 2011, क्योंकि मुझे वो खरीदने का है। अभी वो 1980 में मारुति कैसी थी, क्यों मैं मेरा वक्त जाया करूं। लेकिन मारुति तो थी ना। अरे मारुति तो थी, 1980 पे मैं क्यों वक्त जाया करूं, मुझे तो 2011 के मॉडल खरीदने का है ना। क्या आप करेंगे तहकीक? आपको अगर अभी की मारुति खरीदने का 2011 की, तो क्या 1980 की मॉडल पे तहकीक करेंगे? सच जवाब दो, हक का जवाब दो, अगर आप सच्चे इंसान है तो करेंगे क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? अब जो इन्फॉर्मेशन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, करेंगे क्या नहीं? अगर आपको 2011 की मॉडल खरीदने का है, आप तहकीक करेंगे 1980 की मॉडल के बारे में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वेरी गुड, मैं आपको शाबाशी देता हूँ, आप सच्चा जवाब दिए। तो इसी तरीके से वो अच्छे क्या बुरी मुझे पता नहीं, हमें अमल करना चाहिए आखिरी पैगंबर पे, और आपको भी करना चाहिए, चाहे आप मानो क्या नहीं।